हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया है कुशीनगर एयरपोर्ट से रिलेटेड। और दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों में रह रहे हैं तो आपके लिए भी एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और दोस्तों, ये बताएंगे कि जो ओवरब्रिज का जो प्रस्ताव डाला गया था उसका अभी क्या अपडेट है और क्या ओवरब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा, जो सड़क NH-28 से जो सड़क जाकर एयरपोर्ट में मिल रही है उसमें। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या एयरपोर्ट से जो सड़क निकल रही है कि आगे चलकर ओवरब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो ओवरब्रिज का जो प्रस्ताव है वो अभी पेंडिंग में है और जैसे ही प्रस्ताव को अगर पास कर दिया जाता है तो वहां पर हेरावती नदी के ऊपर से जो है हो सके तो ओवरब्रिज बन सकता है। चूँकि एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम और बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ आएंगी तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर ओवर ब्रिज बन जाता है तो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों, चलिए ये रहा तो सड़क की बात, और सड़क जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, कुछ ही काम जो है उसमें बाकी है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कि इस समय कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर क्या चल रहा है, कौन कौन से जो काम है वो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हो चुके हैं और कौन कौन से जो काम है वो अभी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बाकी है। तो दोस्तों, अगर काम की बात करें तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जितना भी काम है वो लगभग पूरा सक्सेस हो चुका है, यानी कि कुशीनगर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बताए हैं। ठीक है, और ऐसा भी लगता भी है कि कुशीनगर एयरपोर्ट पूरा काम उसका हो गया है, कुछ ही ऐसे छूट-फूट काम होंगे जो बाकी होंगे। अब दोस्तों, जैसे ही काम कंप्लीट का बात आता है तो आप सोचते होंगे कि तब क्यों नहीं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो बहुत जल्द शुरू होगा। और पहले जो बात चल रही थी वो श्रीलंका से चल रही थी कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर श्रीलंका से पहली फ्लाइट आएगी जिसमें 180 यात्री रहेंगे जो कि यहाँ पर आएंगे, तो उसी के बारे में भी उसका कोई अपडेट नहीं आया है कि पहली फ्लाइट कहाँ से आएगी। और दोस्तों, चूंकि अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन देशों से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर वहाँ पर हैं तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जैसे ही किसी देश के साथ कुशीनगर का फ्लाइट पहले आ जाता है उसके बाद से सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों के साथ कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो सीधे जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग के बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा, आप लोग दिल्ली या फिर लखनऊ आते हैं तो आप सीधे कुशीनगर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा अपडेट, हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा।